बगैर वापडा बगैर बैटरी सिर्फ सोलर के ऊपर सारा दिन डे 10 का इन्वर्टर एसी मुफ्त चलाना चाहते हैं तो भाई ये वाला सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर ले लें। ये है ज्यूनिक का लेटेस्ट मैक्स सीरीज में 3.2 केवीए पीवी 42,000 सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर, जिसके ऊपर आप बगैर बैटरी और वापडा के सारा दिन सोलर के ऊपर अपना डे 10 का इन्वर्टर एसी बिल्कुल मुफ्त चला सकते हैं और उसी के साथ साथ अपने घर का लोड भी चला सकते हैं। आज की इस वीडियो में करेंगे इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग, इन्वर्टर की केसिंग खोलकर दिखाऊंगा कि भाई इसके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है, इसकी मुकम्मल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कितना लोड डाल सकते हैं, कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, और आखिर में इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे कि भाई इसकी कम से कम होलसेल प्राइस क्या है। तो इस वीडियो का आपने कंप्लीट लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। बॉक्स आपके सामने है, एक खूबसूरत डिजाइन में बॉक्स बनाया गया है। बॉक्स को खोल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिलती है जनाब एक अदद वाईफाई के लिए केबल। ये सिर्फ एक केबल है जो कि इसके कम्युनिकेशन पोर्ट के साथ लग जाएगी और इसके साथ वाईफाई डिवाइस लग जाएगी। उसी के साथ साथ हमें एक और पैकेट मिल जाता है जिसमें कि एक अदद वारंटी कार्ड है। वारंटी इसकी 5 साल की यूनिक प्रोवाइड कर रहा है जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट है, और उसी के साथ साथ एक अदद यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल पढ़ के आप इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को लगा लेंगे। बाय द वे, इस वीडियो के आखिर में आपको यूजर मैनुअल भी समझाने वाला हूँ। इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट लुक आपके सामने, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिजाइन यूनिक ने अपनी मैक्स सीरीज के सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई इसके ऊपर आप एलसीडी देख सकते हैं। एलसीडी थोड़ी छोटी है, इसे थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। बहरहाल इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मुकम्मल मिल जाएगी। 4 बटन दिए गए हैं सेटिंग के लिए। उसके साथ साथ नीचे आकर देखें तो यहाँ पर एक अदद 3.2 केवीए की ब्रांडिंग है विद एंड विदाउट बैटरी लिखा। उसी के साथ मैक्स सीरीज की ब्रांडिंग की गई है। येलो एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। नीचे की साइड पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पे हमारी इनपुट और आउटपुट की पोर्ट है। उसके नीचे एक अदद एसी ब्रेकर दिया गया है और उसी के साथ साथ अर्थिंग का एक नट दिया गया है। साथ देख लिया जाए तो 2 अदद फैन दिए गए जो कि इसको कूल रखें, ऑटो चलते हैं, जब जरूरत होगी तभी चलेंगे। उसी के साथ साथ बैटरी पॉइंट है। 24 वोल्ट के ऊपर ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर वर्क करता है। अगर ना भी लगाएं कोई मसला नहीं है, बगैर बैटरी भी सोलर के ऊपर इजीली वर्क कर लेगा। तो यहाँ पर आप बैटरी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं, प्लस और माइनस। उसी के साथ साथ पीवी की पोर्ट दी गई है प्लस और माइनस। यहाँ पर MC4 कनेक्टर नहीं दिए गए क्योंकि एक छोटा इन्वर्टर है और कम प्राइस में है। साइड के ऊपर देख लिया जाए तो एक अदद ग्रिल है जहाँ से हवा इसके अंदर आएगी, और उसी के साथ साथ ऑन ऑफ का बटन है और नीचे स्पेसिफिकेशन शीट है। दूसरी साइड के ऊपर देख लिया जाए तो वेंटिलेशन के लिए ग्रिल है और उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन पोर्ट दी गई है। इन्वर्टर को खोल लेते हैं। इन्वर्टर आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने लगा हुआ है। इसका पीसीबी बोर्ड आप देख सकते हैं। फर्स्ट के ऊपर आप ये देखें, इसकी जो इनपुट और आउटपुट के कनेक्टर हैं उसके साथ फैन और बैटरी के अंदर से आप जो है वो कनेक्टर देख सकते हैं, पीवी का कनेक्टर देख सकते हैं, और उसी के साथ साथ मुकम्मल बोर्ड आपके सामने है। MPPT की आप कॉयल देख सकते हैं, माशाल्लाह काफ़ी बड़ी लगाई गई है। इसके अंदर 100 एम्पेयर का यानी कि 100 एम्पेयर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है जो कि 4200 वाट तक की सोलर इनपुट को सपोर्ट करता है। बाय द वे ये एक 3.2 केवीए का इन्वर्टर है तो लोड या 3.2 केवीए का ही इसके ऊपर आप डाल सकते हैं, लेकिन सोलर चार्ज कंट्रोलर इसका 4200 वाट का है। उसी के साथ साथ आप डिस्प्ले का बोर्ड देख सकते हैं और उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन का भी एक अलग से बोर्ड दिया गया जहां पर आप अपनी वाईफाई डिवाइस लगा सकते हैं। इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग आप देख चुके हैं, इन्वर्टर को खोलकर मैंने आपको दिखा दिया है। बात कर लीजिए इसकी स्पेसिफिकेशन की। तो प्यारे दोस्तों, ये 3200 VA का सिंगल फेज में प्योर साइन वेव और पावर फैक्टर यूनिटी के साथ आने वाला सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। अगर इनपुट वोल्टेज रेंज की बात कर ली जाए तो 90 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक वापडा की वोल्टेज रेंज को ये बर्दाश्त कर लेता है। उसी के साथ साथ आउटपुट देख ली जाए तो 3200 वाट तक का लोड इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। 6000 VA यानी कि 6 किलोवाट की सर्ज पावर को ये बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी कि 3 सेकंड के लिए अगर आपका लोड 6000 VA हो जाता है या 6 किलोवाट हो जाता है तो ये इन्वर्टर बंद नहीं होने वाला। तकरीबन 3 सेकंड तक तो ये बंद नहीं होगा। अगर वो लोड ज़्यादा देर तक रहा
तो ये बंद हो जाएगा। एफिशिएंसी की बात कर ली जाए तो सोलर से जो इन्वर्टर की एफिशिएंसी है वो तकरीबन 97% है, और उसी के साथ साथ बैटरी से इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन 94% है। बैटरी सेटअप की बात कर ली जाए तो ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर 24 वोल्ट की बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। 12-12 वोल्ट की दो बैटरीज कोई भी लगा सकते हैं भाई, पानी वाली ड्राई बैटरी या ट्यूबलर बैटरी या लिथियम बैटरी कोई भी आप लगा सकते हैं। 12-12 वोल्ट की दो बैटरीज लगाएंगे, 24 वोल्ट की आप एक बैटरी लगाएंगे। याद रहे जितने भी एम्पेयर की आप बैटरी लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं, किसी भी टाइप की बैटरी लगा सकते हैं, लिथियम आयन बैटरी भी लगा सकते हैं, 24 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी, और बाकी जितनी भी बैटरीज हैं वो अगर 12 वोल्ट की है तो आप दो बैटरीज लगाएंगे, अगर वो 2 वोल्ट के आप सेल लगा रहे हैं चाहे वो ड्राई हैं या पानी वाले सेल हैं तो वो आप तकरीबन 12 लगाएंगे। और अगर आप बैटरी नहीं लगाना चाहते तो ये विदाउट बैटरी भी वर्क कर लेता है। सोलर के ऊपर डायरेक्ट चलाना चाहते हैं तो विदाउट बैटरी सोलर के ऊपर चल जाएगा, लेकिन याद रहे बगैर बैटरी ना आप इसके ऊपर वाटर मोटर चला सकते हैं और ना ही आप इसके ऊपर इस्त्री चला सकते हैं। बगैर बैटरी आप सिर्फ अपने पंखे, लाइटें, इन्वर्टर फ्रिज और इसके ऊपर इन्वर्टर एसी, उसी के साथ साथ टीवी चलाना चाहे तो टीवी भी चला सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी सोलर कैपेसिटी की। जैसा कि इन्वर्टर केसिंग की ओपनिंग में आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर तकरीबन 4200 वाट तक का सोलर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है जो कि 100 एम्पीयर तक सपोर्ट करता है। तो इसके ऊपर आप 4200 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। अब 4200 वाट में तकरीबन जो है 550 वाट के अगर आप लगाएं तो 8 सोलर पैनल लगा सकते हैं, वो 4200 वाट से तो बढ़ जाते हैं लेकिन आप 8 सोलर पैनल ही लगाएंगे। और अगर आप 450 वाट के लगाना चाहते हैं तो आप 10 सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर आप 350 वाट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आप तकरीबन 12 से 14 सोलर पैनल इजीली लगा सकते हैं। कम से कम सोलर पैनल के ऊपर बात करने से पहले आपको इसकी मजीद स्पेसिफिकेशन का बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ कम से कम आप कितने लगा सकते हैं। एमपीपीटी वोल्टेज रेंज यानी के जिसके ऊपर इसका सोलर चार्ज कंट्रोलर एक्टिव होता है, सोलर को डिटेक्ट करता है, तो वो जनाब 120 है मिनिमम और 430 है मैक्सिमम। ओपन सर्किट वोल्टेज जो पीवी के हैं वो 500 वोल्ट तक होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम इनपुट पीवी करंट जो है 18 एम्पीयर तक आप दे सकते हैं, और मैक्सिमम एमपीपीटी एफिशिएंसी तकरीबन 98% है, यानी कि 98% तक की जो पावर है ये पीवी से इन्वर्टर में शिफ्ट कर देता है। अब बात कर लेते हैं कम से कम सोलर पैनल की। तो प्यारे दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 120 वोल्ट इसकी मिनिमम एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है। अब 550 वोल्ट के सोलर पैनल के अगर हम मैक्सिमम पावर वोल्टेज देखें यानी कि इन्वर्टर के लिहाज से एमपीपीटी वोल्टेज, तो भाई वो तकरीबन कोई 38 से 40 बनते हैं, बाज सोलर पैनल 41 से 42 वोल्ट भी दे रहे होते हैं। तो अगर आप 550 वाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो वो आपको तकरीबन भी कोई 4 सोलर पैनल कम से कम लगाना होंगे। अगर आप 450 वाट का सोलर पैनल लेते हैं या 350 वाट का सोलर पैनल लेते हैं तो आपको 5 सोलर पैनल लगाना होंगे। उसी के साथ साथ 650 वाट का जो सोलर पैनल होता है उसके जो वोल्ट्स होते हैं वो लो होते हैं और उसके एम्पेयर हाई होते हैं, यानी कि 17 से 18 एम्पेयर हो सकते हैं, और जो एमपीपीटी या मैक्सिमम पावर वोल्ट्स हैं वो तकरीबन 28 से 30 वोल्ट होते हैं। तो 650 वाट के सोलर पैनल भी आपको तकरीबन 5 लगाना होंगे। यहाँ पर मैंने इस इन्वर्टर की जब टेस्टिंग की है तो मैंने 4 सोलर पैनल लगाए हैं, उसके वोल्ट्स भी आपके सामने तकरीबन 143 से 144 वोल्ट हैं, लेकिन जो उसके एमपीपीटी वोल्ट्स हैं वो तकरीबन 112 वोल्ट बनते हैं। यहाँ पर मैंने 640 वाट यूनिक के 4 सोलर पैनल लगाए हुए हैं जिनके जो वोल्ट्स हैं ओपन सर्किट तो तकरीबन कोई 35 से 36 आते हैं, लेकिन अगर हम उसके पावर वोल्ट्स देख लें तो तकरीबन 28 से 30 आते हैं। तो 4 सोलर पैनल के जो वोल्ट्स बनते हैं वो तकरीबन 112 वोल्ट्स बनते हैं। तो इसीलिए भाई इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर ने मेरे 4 सोलर पैनल को डिटेक्ट नहीं किया तो वो सोलर के ऊपर नहीं चल पाया। तो आप भी अगर सोलर पैनल लगाएंगे तो कम से कम 550 वाट के 4 सोलर पैनल लगाएंगे,
तभी आपका ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सोलर को डिटेक्ट करेगा। अगर आप 450 या 350 या 650 वाट तक के सोलर पैनल लगाते हैं तो आप उसके साथ कम से कम 5 सोलर पैनल लगाएंगे। लोड की बात कर लीजिए तो इसके ऊपर आप 1.5 टन का इन्वर्टर एसी इजीली चला सकते हैं, यानी कि 1.5 टन का इन्वर्टर एसी जो स्टार्ट होता है वो तकरीबन 2200 से 2300 वाट के ऊपर स्टार्ट होता है, और जब उसके अम्पेयर डाउन हो जाते हैं वो 1400 से 1500 वाट के ऊपर आ जाए तब आप इसके ऊपर इस्त्री भी चला सकते हैं और 2 से 3 पंखों के साथ साथ लाइटें भी चला सकते हैं। वाटर पंप की बात कर ली जाए तो इसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ 1 HP का वाटर पंप चला सकते हैं, वो भी सिंगल एम्पेलर के साथ हो, यानी कि आपका वाटर पंप जो रूटीन वाइज जो एम्पेयर लेता है वो तकरीबन 3 से 4 होने चाहिए, और जो उसके सर्च पावर है यानी कि सर्च एम्पेयर जो कि एक झटके में वो लेता है स्टार्ट होते टाइम, तो वो तकरीबन 22 से 24 एम्पेयर तक होने चाहिए तब भी आप अपना वाटर पंप इसके ऊपर चला सकते हैं। उसके लिए भी शर्त यह है कि आपका तमाम लोड बंद होना चाहिए तभी आप वाटर पंप इसके ऊपर चला सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने एसी भी नहीं चलाया, वाटर पंप भी नहीं चलाया, तो आप इसके ऊपर इस्त्री इजीली चला सकते हैं, लेकिन इस्त्री चलाने के लिए और मोटर चलाने के लिए आपको बैटरीज लाजमी लगाना होगी। वैसे तो आप अपना इन्वर्टर एसी और लाइटें पंखे एलईडी टीवी और फ्रिज जो कि इन्वर्टर फ्रिज हो वो बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं सोलर के ऊपर और बगैर वापडा के भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस्त्री और अपनी वॉशिंग मशीन या फिर अपना वाटर पंप चलाना है उसके लिए आपको बैटरीज लाजमी लगाना होंगी। यहाँ पर एक बात क्लियरली बता दूं कि ये एक ऑफ ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर है, इससे आप नेट मीटरिंग तो डेफिनेटली नहीं कर सकते क्योंकि ऑफ ग्रिड होने की वजह से ये ग्रिड को फीड नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आपके घर को ही वो सोलर से सप्लाई दे सकता है। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ घर को चलाने के लिए यानी कि दिन दिन में चलाने के लिए सोलर से सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो आप ये सस्ते वाला सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सस्ता तो बता रहा हूँ लेकिन ये नहीं बता रहा कि इसकी प्यारी सी होलसेल प्राइस क्या है। तो प्यारे दोस्तों जैसा कि स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा है ज़ूनिक की वेबसाइट का, यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल कंपनी प्राइस देख सकते हैं तकरीबन 1,19,000 रुपये है। तो प्यारे दोस्तों ये एक होलसेल प्राइस है तो ये फुल एंड फाइनल प्राइस होती है। अगर आप ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर हमसे परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज करके अपना ऑर्डर कंफर्म करवा सकते हैं। याद रहे तमाम ऑर्डर जो हैं वो एडवांस पेमेंट के साथ कंफर्म किए जाते हैं, लिमिटेड स्टॉक मौजूद है। अगर आपको इसी रेट के ऊपर बाय करना है तो आज ही ऑर्डर करें और आज ही अपना ऑर्डर अपने घर मंगवाएं। प्यारे दोस्तों पहली बात ये कि व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपने सिर्फ मैसेज करना होता है, कॉल नहीं करनी, मैसेज के ऊपर ही आप अपना ऑर्डर कन्फर्म करवाएंगे। दूसरी बात, हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस मौजूद नहीं है, सिर्फ एडवांस पेमेंट के साथ ही ऑर्डर्स बुक किए जाते हैं। इसलिए व्हाट्सएप मैसेज पर यह बहस करना कि आपके ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है, हम आपको एडवांस पेमेंट नहीं कर सकते, आप हमें अपना एड्रेस दें। एड्रेस तो भाई मेरा कोई ऑफिशियल ऑफिस नहीं है, घर से मैं चैनल को ऑपरेट करता हूँ, वैसे मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। तो भाई अगर आपको इन्वर्टर वगैरह चाहिए, कोई प्रोडक्ट हमसे चाहिए, तो एडवांस पेमेंट के साथ ही आप अपना ऑर्डर कन्फर्म करवाएंगे। बगैर एडवांस पेमेंट कोई भी आपका ऑर्डर कंफर्म नहीं होने वाला क्योंकि अभी कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस हमारे पास मौजूद बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये वाली बहस करना चाहते हैं ट्रस्ट नहीं है, पैसे हम आपको ऐसे नहीं दे सकते, आप भाग जाएंगे पैसे लेकर, हमारे पैसे डूब जाएंगे, तो प्यारे दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपने मैसेज बिल्कुल भी नहीं करना। अगर इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को आप लगाते हैं तो आपको कितने यूनिट्स की बिजली के बिल में बचत होने वाली है, ये इन्वर्टर आपको कितने यूनिट देने वाला है, तो प्यारे दोस्तों ये 3.2 kVA का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है और अगर आप फुल कैपेसिटी यानी कि 4200 वाट तक के सोलर पैनल इसके ऊपर लगा लेते हैं और ये फुल आपका जो लोड है वो 3.2 kVA तक है, वैसे तो 80% लोड जो है वो रिकमेंड किया जाता है, लेकिन अगर आप 100% भी इस्तेमाल करते हैं, 3.2 kVA तक भी इस्तेमाल करते हैं, तब आपको एक दिन में 12.8 यूनिट मिलने वाले हैं। महाना ये आपको 384 यूनिट की जो है वो बचत दे सकता है। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर तो लाजमी करना है। अगर आप मुख्तलिफ कंपनीज के इन्वर्टर्स की वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं, चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू इन्वर्टर की वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।